हे नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। जिस पल का हम लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो उस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, ई पासपोर्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट चिप वाले पासपोर्ट को लेकर, उसका जो है यहाँ पे ऑफिशियल घोषणा हो गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है खुद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की ओर से। 25 जून 2023 को जो है पासपोर्ट सेवा दिवस था, उसके मौके पर उन्होंने कहा है कि अब जल्दी भारत के लोगों को नया और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट की फैसिलिटी मिलने वाली है। चूँकि दोस्तों, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था पासपोर्ट सेवा दिवस का, और इसमें जो है उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो भी भारत के साथ साथ विदेश के जो एम्बेसीज होते हैं, जहाँ पे पासपोर्ट इश्यूज़ किए जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों को जो है इस बात का दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द ही हम पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSC 2.0 शुरू करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी यहाँ पे जो अधिकारी हैं, उनको समय समय पर इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से सूचीबद्ध तरीके से जो है यहाँ पे ई पासपोर्ट को जारी करने का जो भी प्रोसेस है, उसको शुरुआत किया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही नए व उन्नत, जो कि काफ़ी एक तरीके से काफ़ी एडवांस तरीके का जो पासपोर्ट होता है, ई पासपोर्ट सहित जो भी नई नई चीज़ें हैं वो हम लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण के अनुरूप या ईज की नई जो है मिसाल पेश करेगी, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि दोस्तों, पासपोर्ट का जो क्रेज़ है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं और जिस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करना काफ़ी इजी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में रिकॉर्ड 1,33,20,000 पासपोर्ट इशू किए गए, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 2021 की तुलना में 63% ज़्यादा है। 2014 में देश में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जो कि आज बढ़कर टोटल 523 PSK सेंटर्स हो चुके हैं, जिसमें लगभग कह सकते हैं कि 7 गुना बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों, ये पासपोर्ट को लेकर ये जो अनाउंसमेंट है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जो है आपका जो पुराना पासपोर्ट है, इसको अपग्रेड करके अब जो है आपको चिप वाला पासपोर्ट मिलेगा, जिसके ऊपर आपके सारे इंफॉर्मेशन चिप पे ही रहेंगे। ऐसे में इमिग्रेशन का प्रोसेस ऑफकोर्स काफ़ी ईजी हो जाएगा और लोगों को काफ़ी सहूलियत भी हो जाएगा इमिग्रेशन के दौरान। सो गाइज़, जल्दी ही इससे रिलेटेड जो भी प्रेस रिलीज है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आगे किस तरीके से आपको ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, उसके तमाम वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।